नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटर्स की और चलिए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं और इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स की। फिर दोबारा दो पॉइंट समझेंगे क्या कंसेप्ट है, क्या डेफिनेशन और क्या शॉर्टकट टेक्निक है जिससे हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कि जो लेटर्स हमारे सामने है वो कॉम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। अ लेटर कैपिटल एल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड इफ एवरी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए विच बिलोंग्स टू द लेटर, मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बड़ी सरल और आसान सी बात है, बस बिल्कुल उल्टा हो गया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लेटर्स के। तो क्या बोला है, किसी भी लेटर्स को दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स बोलेंगे। नाम से भी समझ आ रहा है कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस दी जाएगी उन एलिमेंट्स को जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो वो लेटर्स दोस्तों कॉम्प्लीमेंटेड होगा जहां पर हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे। यानी कि पहले हमने समझा था एटमोस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दोस्तों हमने बात की थी कि या तो नहीं होगा, होगा तो एटमोस्ट वन होगा। अब बात करें दोस्तों एटलीस्ट की, मतलब या तो एक हो या तो एक से ज्यादा हो, बट जीरो वाला नहीं चलेगा, है ना। तो दोबारा पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमारा काम है ये फाइंड करना कौन कौन से लेटर्स कॉम्प्लीमेंटेड है कौन कौन नहीं है। बट देखिए दोबारा वही बात, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, हमेशा ट्राई करिए उल्टा काम करने का। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि हर एलिमेंट के लिए या तो कम से कम एक या तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा ऐसा एलिमेंट ढूंढने की जिसका एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो। बिकॉज अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिला जिसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो अकेला इस बात का प्रूफ है कि लेटर्स कम से कम भाई कॉम्प्लीमेंटेड तो नहीं है। और हमारा काम यही पता लगाना है कि कॉम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। अगर आपको एलिमेंट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि लेटर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। कुछ केसेस मैंने आसान लिए, कुछ रिपीटेड भी हैं, जस्ट कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास है, हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पे दोस्तों पहले कई बार काम किया है हमने। अब देखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट है डी और डी का कॉम्प्लीमेंट है बी, वही पुरानी कहानी। लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम या मिनिमम का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों होता है मिनिमम। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं बी और सी के लिए। तो क्या बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर देखेंगे बी और सी का ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा ए, और बी और सी का मीट करेंगे तो मिलेगा डी विच इज द अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम, और बी और सी का मीट करेंगे तो मिलेगा ए विच इज द लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ए के लिए डी, डी के लिए ए, और बी के लिए सी और सी के लिए बी। तो जी हाँ, ये लेटर्स है कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा रखना ही पड़ेगा, एक या उससे ज्यादा होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। इधर बात कर सकते हैं, इधर देखते हैं। तो देखिए यहां पर लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट हुआ ए, और लास्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में हमने काम किया था। तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए दोस्तों होगा ई, और ई का होगा बी। वो कैसे, तो देखिएगा बी और ई का ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा एफ, और मीट करेंगे तो मिलेगा ए। तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अब देखते हैं डी और ई का। तो देखिएगा डी और सी का आपस में देखेंगे तो डी और सी का ज्वाइन डी ही मिलेगा, डी और सी का मीट सी ही मिलेगा, और बाकी किसी पर भी आई थिंक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब अगेन डी और सी दोस्तों आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए दोस्तों कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब इस बात का प्रूफ है कि ये लेटर्स जो है दोस्तों कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स नहीं है। बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से हर एलिमेंट का कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, बट यहां पर डी और सी का दोस्तों कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आगे देखते हैं, यहां देखिए तो बेसिक बात दोबारा सेम, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट होगा ए, लोअर बाउंड या मिनिमम का कॉम्प्लीमेंट होता है अपर बाउंड या मैक्सिमम, और अपर बाउंड या मैक्सिमम का कॉम्प्लीमेंट होता है लोअर बाउंड या मिनिमम। आगे देखते हैं, चलिए बी के लिए बात करते हैं। क्या बी का कॉम्प्लीमेंट सी है, तो देखते हैं बी और सी का ज्वाइन मिलेगा डी। ये तो यही बात खराब हो गई, बिकॉज बी और सी का ज्वाइन मिलना चाहिए था अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। अगर बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब जी नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट जो है सी नहीं है। क्या बी का कॉम्प्लीमेंट जी है, देखिएगा बी पे कहीं पर भी आप ट्राई करेंगे तो जी हाँ, ज्वाइन पे ऊपर तक आना ही पड़ेगा, मीट पे नीचे तक आना ही पड़ेगा। जी हाँ, बी का कॉम्प्लीमेंट है जी, तो जी का कॉम्प्लीमेंट भी होगा बी। लिखते चलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मिला एफ, तो दोस्तों एफ का कॉम्प्लीमेंट होगा ए, और बी का कॉम्प्लीमेंट हमको मिल गया जी। क्या और भी कोई कॉम्प्लीमेंट है, जी नहीं। तो सिमेट्री के हिसाब से फिर सी का कॉम्प्लीमेंट भी दोस्तों हो जाएगा ई। तो आप देखेंगे ए और ई का ज्वाइन भी मिल रहा है आपको एफ, और ए और ई का मीट भी मिल रहा है ए, तो कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाइड।
तो ये भी हमारा होल्ड कर गया। अब देखिए किसके लिए नहीं किया, अभी ई के लिए देख लेते हैं। अब देखिए ई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ थोड़ी मजे की बात है। तो क्या ई का कॉम्प्लीमेंट जी है? जी हाँ, ई का कॉम्प्लीमेंट जी है, बिकॉज ई और जी का जॉइन जो है वो है एफ और मीट है ए, उससे पहले कहीं नहीं मिलेगा। तो ई का कॉम्प्लीमेंट है जी, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जी का कॉम्प्लीमेंट भी होगा ई। रीजन बिंग देखिए, जी और ई का वो क्या कहता है, कम्यूटेटिव बात है, दोनों तरफ होल्ड करता है। बट क्या ई का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों सी भी है, फॉर अ सरप्राइज। तो आप देखेंगे यहाँ पर सी के लिए अगर आप देखते हैं, तो जी हाँ सी पहले ई के साथ पेयर बनाए हुए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ई है। इसका रीजन आप देखिए, सी और ई भी ज्वाइन कर रहा है एफ पर और मीट कर रहा है ए पर। जी हाँ, इसका मतलब ई का दो कॉम्प्लीमेंट हुए जी और सी, और जी के दो कॉम्प्लीमेंट होंगे ई और बी। और फाइनली आखिरी वैल्यू आपको मिली दोस्तों डी, जो बीच में बेचारे बैठे हुए हैं। अब इसका आप देखेंगे, किसी भी एलिमेंट से आप इसका पेयर करिए, क्या डी का कॉम्प्लीमेंट ई है? तो देखेंगे ज्वाइन पर मिलेगा एफ और मीट पर मिलेगा बी, किसी पर भी देखेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, कुछ हैं जिसके लिए दो कॉम्प्लीमेंट, और डी भाई साहब अकेले हैं जिसके लिए एक भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से दोस्तों मुझे मना करना पड़ेगा, ये लेटर्स अब कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट होने के लिए चाहे हर किसी का एक ही हो, बट कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। और यहाँ पर एक एलिमेंट हमको ऐसा मिला जिसका एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इधर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक फैमिलियर स्ट्रक्चर्स पे भी हमने काम किया है। तो यहाँ पर देखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा ए, और उसके अलावा बी सी डी ई सब एलिमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से पूरा टेबल आप फिल कर सकते हैं, बी के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होंगे, डी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। सी के दोस्तों बी एक कॉम्प्लीमेंट होगा, डी होगा कॉम्प्लीमेंट, सी का बी होगा, डी होगा, ई होगा। सिमिलरली डी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होगा, बी होगा, सी होगा, ई होगा, और फाइनली ई का कॉम्प्लीमेंट भी बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मान सकते हैं अपर बाउंड का कैपिटल लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का जो कॉम्प्लीमेंट है अपर बाउंड, हर किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक या कुछ एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा भी, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स का। तो मेरे ख्याल से दोनों लॉजिक दोस्तों हमने समझे हैं, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वो जहां पर हर किसी के लिए मैक्सिमम एक या तो जीरो कॉम्प्लीमेंट्स हो, कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स वो जहां हर किसी के लिए कम से कम एक या तो उससे ज्यादा एलिमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट्स हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड बोलते हैं। और ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जल्दी से, तो कॉम्प्लीमेंटेड में ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसका कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो। तो सिंगल एग्जाम्पल से जैसे यहां पर हमने डी को ढूंढ लिया, आप मना कर देंगे कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसका कम से कम दो कॉम्प्लीमेंट हो, बिकॉज वो एक से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, तो कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा, जो बोल सकते हैं थ्योरेटिकली हमारा रिलेशंस का जो है वो आखिरी टॉपिक है, जहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस आप डिस्ट्रीब्यूटिव की यूज़ करते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंटेड की, और कैसे प्रूफ कर सकते हैं कोई पोसेट या लैटिस वो बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं, और कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम के अंदर की स्ट्रक्चर जो है बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय और बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ, जहां फाइनली हम बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा की। धन्यवाद।